Hello students, I am Preeti Singh, your science teacher, and today we are going to start chapter 2, acid bases and salts in chemistry. Okay, सबसे पहले हम इस chapter का introduction देखेंगे कि इस chapter में हमको क्या क्या study करना है. हमको chapter से पता है इस chapter में हमको acids, bases and salts लेनी है. Okay, उसके बाद इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन. अभी तक हमें पता है कि 115 एलिमेंट्स जो कि हमें मिले हुए हमारे पीरियोडिक टेबल में फिट हैं, हम जानते हैं उनकी प्रॉपर्टी के आधार पर उन कंपाउंड्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. कौन कौन से पार्ट? एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट. ओके, सबसे पहले इन चीजों को हमें पता करने के लिए डिवाइड जो हो गए एसिड, बेसिस, सॉल्ट, लेकिन हम जानेंगे कैसे कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेसिस है और कौन सा सॉल्ट है. इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है इंडिकेटर्स की. इंडिकेटर्स इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये इंडिकेटर्स यानी ये किसी चीज को इंडिकेट करता है. इन दिस चैप्टर हम ये इंडिकेटर हमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि सोल्यूशन, ये हमें सोल्यूशन के बारे में इंडिकेट करके बताएगा कि हमारा सोल्यूशन एसिडिक है या फिर बेसिक है. एन इंडिकेटर गिव्स डिफरेंट कलर्स इन एसिड एंड बेसिस. सभी इंडिकेटर जो होते हैं वो क्या करते हैं, एसिड और बेस में डिफरेंट कलर देते हैं. एसिड में अलग कलर देते हैं और बेस में अलग कलर देते हैं, जिससे हमें ये पता होता है कि सोल्यूशन हमारा एसिडिक है या फिर बेसिक है. इन अदर वर्ड इंडिकेटर टेल अस एसिडिक और बेसिक बाय चेंज इट्स कलर. हम दूसरे वर्ड्स में इसको बोल सकते हैं कि जो हमारा इंडिकेटर्स है वो हमें बताता है कि सॉल्यूशन हमारा एसिडिक है या फिर बेसिक है. क्लियर? अब ये इंडिकेटर हमारा क्लासिफाइड किया गया है नंबर, काफी नंबर्स में जिसको हम पढ़ते हैं. ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही इंडिकेटर्स है, नंबर्स ऑफ इंडिकेटर्स है. अब हमारा आता है क्लासिफिकेशन ऑफ अ इंडिकेटर. सबसे पहला हमारा है नेचुरल इंडिकेटर. इसके नाम से ही हमको समझ में आ रहा है कि ऐसा इंडिकेटर है ये जो कि हमें नेचुरली ऑब्टेंड हुआ है, नेचुरली हमें मिला है, इसलिए हम इसको कैसा इंडिकेटर कहते हैं, नेचुरल इंडिकेटर. इसमें कुछ एग्जांपल हम लेते हैं. सबसे पहला हमारा लिटमस, लिटमस पेपर. ऑलरेडी यू नो डैट लिटमस पेपर नेचुरल इंडिकेटर है. एक प्लांट दैट नेम इज अ लाइकेंस, उसी से ये लिटमस पेपर बनाया जाता है. दो तरह के लिटमस पेपर बनाए जाते हैं, रेड और ब्लू कलर का. अगर हमें एसिडिक सॉल्यूशन का डिटेक्ट करना है तो हम क्या करते हैं, कौन सा लेते हैं, ब्लू कलर का लिटमस पेपर लेते हैं और जब एसिडिक सॉल्यूशन में इसको डीप करते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाता है, रेड कलर हो जाता है. और अगर सॉल्यूशन हमारा बेसिक है और उसमें रेड कलर का हम लिटमस पेपर डालते हैं तो हमारा जो लिटमस पेपर होता है वो कैसे कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है. तो लिटमस पेपर रेड कलर इन एसिड एंड ब्लू कलर इन अ बेस. ओके, लिटमस पेपर जो होता है वो क्लियर हो गया. लिटमस पेपर अगर सॉल्यूशन हमारा एसिडिक होगा तो रेड कलर का होगा, अगर बेसिक होगा तो वो ब्लू कलर का होगा. नेक्स्ट हमारा टर्मेरिक. ऑलरेडी यू नो दैट व्हाट इज टर्मेरिक. हम जानते हैं, सभी जानते हैं कि टर्मेरिक हल्दी क्या होता है. अगर ये सॉल्यूशन हमारा एसिडिक होगा तो टर्मेरिक वहां पर कोई कलर चेंज नहीं करेगा. अगर हमारा सॉल्यूशन बेसिक है, बेसिक नेचर का है, तो वहां पर ये कलर कैसा कर देगी, रेड कलर देगी. सपोज में हम देखते हैं कि हमारे कपड़ों पर जब कोई दाग लग जाता है सब्जी का या दाल का, तो देखते हैं जब उस पर हम डिटर्जेंट डालते हैं तो उसका कलर रेडिश हो जाता है. उसमें वो कैसा, क्योंकि डिटर्जेंट हमारा बेसिक नेचर का है और जब एसिड में डाले तो उसको कैसा कर रहा है, वो न्यूट्रल कर रहा है. और वो कलर कैसा दिया है, हमारा टर्मेरिक जो था वहां पर कौन सा कलर दे रहा है, रेड कलर दे रहा है. तो सब सिंपल हम समझ लेंगे, टर्मेरिक जो होता है वो एसिड में कोई कलर नहीं देता और बेस में किस कलर का हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है. क्लियर? नेक्स्ट है हमारा चाइना रोज. चाइना रोज इज ऑल्सो अ नेचुरल इंडिकेटर. यह भी हमारा क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है. ये एसिड भी पिंक कलर का, एसिड में अगर हम इसका टेस्ट करेंगे तो ये कैसे कलर का हो जाता है, पिंक कलर का. और अगर हमारा सॉल्यूशन बेसिक नेचर का होगा तो इसका कलर कैसा होगा, ग्रीन कलर का हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रेड कैबेज. रेड कैबेज
ये रेड कलर एसिड में इसका कलर रेड होता है और बेसिक सॉल्यूशन में इसका कलर ग्रीन होता है। तो हमने ये देखा नेचुरल इंडिकेटर। सबसे पहला इंडिकेटर कौन सा है हमारा? नेचुरल इंडिकेटर। और इसमें नंबर्स ऑफ एग्जांपल हमने देखे लिटमस, जो कि एसिड में रेड कलर और बेसिस में ब्लू कलर, टर्मेरिक नो कलर चेंज, एसिड में कोई कलर चेंज नहीं करता और बेसिस में ये कैसा हो जाता है? रेड कलर का हो जाता है। चाइना रोज, ये एसिड में पिंक कलर का और बेसिस में ये ग्रीन कलर का हो जाता है। रेड कैबेज, एसिड में ये रेड कलर का ही होता है और बेसिस में ये ग्रीन कलर का हो जाता है। क्लियर? हमें इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर हमने पढ़ लिया, क्लियर। अब हमारा आता है नेक्स्ट इंडिकेटर। ओके ओके स्टूडेंट, तो हमने नेचुरल इंडिकेटर देख लिया था, अब हम देखते हैं दूसरा हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर, इसके नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि ये हमें नेचुरली नहीं मिला है, इसको हमने क्या किया है? प्रिपेयर्ड किया है, इसको हमने लेबोरेटरी में केमिकल्स के थ्रू बनाया हुआ है। पहला हमारा है मिथाइल ऑरेंज। पहला जो हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर है वो कौन सा है? मिथाइल ऑरेंज। यह भी इंडिकेटर का काम करता है, यह भी हमें बताता है, डिटेक्ट करता है कि हमारा सॉल्यूशन एसिड है या फिर एसिडिक नेचर का है या फिर बेसिक नेचर का है। देखते हैं ये कैसा कलर हमको देता है। इन एसिड रेड, जब हमारा सॉल्यूशन एसिडिक होगा तो हम वहां पर अगर मिथाइल ऑरेंज अप्लाई करेंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? रेड कलर का हो जाएगा। इफ सॉल्यूशन इज ए बेसिक इन नेचर, यदि हमारा सॉल्यूशन बेसिक नेचर का होगा तब वहां पर मिथाइल ऑरेंज अप्लाई करने पर उसका कलर रेड ना होकर बल्कि कैसा हो जाएगा? येलो कलर का हो जाएगा। उसका कलर कैसा हो जाएगा? येलो। तो हमें पता हो गया कि मिथाइल ऑरेंज जो कि एक सिंथेटिक इंडिकेटर है और यह एसिडिक सॉल्यूशन में रेड कलर देता है और बेसिक सॉल्यूशन में ये येलो कलर का हो जाता है। क्लियर हो गया? यानी कि मिथाइल ऑरेंज, अगर केमिकल लेबोरेटरी में हम काम कर रहे होंगे तो वहां पर हमें ये लिटमस पेपर तो मिल जाएगा, लेकिन टर्मेरिक, रेड कैबेज, चाइना रोज ये मिलना पॉसिबल नहीं होगा। तो वहां पर हमारे कौन से इंडिकेटर होंगे? यही सारे इंडिकेटर होंगे, मिथाइल ऑरेंज होगा, फिनोक्सिलिन होगा। हमें इसी से अपने सॉल्यूशन को, मिक्सचर को पता करना होगा कि कैसे नेचर का हमारा सॉल्यूशन हमको मिला हुआ है। तो मिथाइल ऑरेंज हमारा क्लियर हो गया, एसिड में ये रेड कलर देता है और बेस में ये कैसा कलर देता है? येलो कलर देता है। दूसरा हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर है, यह भी क्या करता है? इंडिकेट करता है कि सॉल्यूशन एसिडिक है या फिर बेसिक है। तो ये फिनोक्सिलिन, एसिडिक सॉल्यूशन, यदि हमारा सॉल्यूशन एसिडिक होगा तो वहां पर कलरलेस होगा, कोई कलर नहीं देगा, नो एनी कलर। लेकिन अगर वहीं पर सॉल्यूशन हमारा बेसिक नेचर का होगा, बेसिक सॉल्यूशन होगा, तो वो कैसा हो जाएगा? हमारा पिंक कलर का हो जाएगा, पिंक कलर हमको देगा। फिनोक्सिलिन कलरलेस होता है एसिड में और पिंक कलर का होता है बेसिस में। तो हमने देखा कि सिंथेटिक इंडिकेटर कौन कौन से थे, एक हमारा मिथाइल ऑरेंज जो कि एसिड में रेड कलर और बेस में येलो कलर, फिनोक्सिलिन था दूसरा जिसमें एसिडिक सॉल्यूशन में वो कलरलेस था और बेसिक सॉल्यूशन में उसका कलर कैसा हो गया था? पिंक कलर हो गया था। क्लियर? तो हमने अभी दो तरह के इंडिकेटर पढ़ लिए, कौन कौन से? नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर जो कि हमें नेचुरली मिले हुए थे, ऑलरेडी हम इसको यूज करते हैं, देखते हैं अपने एवरीडे लाइफ में कि ये कैसे कलर चेंज करता है, और इससे हमें ये भी समझ में आ गया कि जो ये बोला जा रहा है सचमुच ये सही में हो रहा है, ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही बताया जा रहा है। ऑलरेडी हम इसको देखे हैं, टर्मेरिक रेड कलर देता है जब उस पर बेसिक चीजें अप्लाई की जाती हैं। तो ये सारी चीजें हमने देख लिया, और सिंथेटिक में अभी हमने देखा नहीं है लेकिन इतना जान ले, लेकिन यह भी होता है, ये कलर ऐसे देते हैं। तो हमने पढ़ा इंडिकेटर, अब हमारा आता है नेक्स्ट इंडिकेटर। दो इंडिकेटर क्लियर हो गए सभी को, नेचुरल और सिंथेटिक। ऑलरेडी ये हम पहले भी पढ़े हैं, सेवेंथ एट क्लास में भी हमको ये दोनों इंडिकेटर पढ़ाए गए होंगे, ठीक है। तो हमने
अब इसके बाद जो इंडिकेटर आएगा वो हमारा नेचुरल इंडिकेटर या सिंथेटिक इंडिकेटर नहीं होगा, वो इससे अलग इंडिकेटर होगा। ठीक है, ये दोनों समझ में आ गए, क्लियर? ओके, ओके स्टूडेंट। तो हम देख रहे थे इंडिकेटर, हमने इंडिकेटर कुछ नेचुरल और सिंथेटिक इंडिकेटर देख लिए। अब एक और इम्पोर्टेंट इंडिकेटर आता है हमारा ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स भी एक इंडिकेटर है जो डिसाइड करता है कि सोल्यूशन हमारा एसिडिक है या फिर बेसिक, लेकिन ये सोल्यूशन कलर बदलता, कलर चेंज नहीं करता है, बल्कि क्या करता है, उसकी स्मेल को चेंज कर देता है। तो हम देखते हैं पहले ओल्फैक्टरी का मतलब क्या है। द टर्म ओल्फैक्टरी मीन्स रिलेटिंग टू द सेंसेस ऑफ स्मेल, या फिर साइंस में ओडर भी, स्मेल को क्या कहते हैं, ओडर। यानी कि ओल्फैक्टरी का मतलब ही यही है, सेंसेस ही हम यही लगाते हैं कि ये क्या करता है, स्मेल, यानी कि जो हमारा सोल्यूशन होता है उसके स्मेल को क्या कर देता है, ये बदल देता है, चेंज कर देता है। तो इस तरह के इंडिकेटर को हम क्या कहते हैं, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। दोज सब्सटेंसेस हुज स्मेल चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन आर कॉल्ड ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। क्लियर? ऐसा सोल्यूशन, ऐसा इंडिकेटर जो एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन के स्मेल को चेंज कर देता है, उस इंडिकेटर को हम कौन सा इंडिकेटर कहते हैं, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। ओके, कुछ एग्जांपल, ओनियन, एक एग्जांपल लेते हैं, ओनियन सभी जानते हैं, ओनियन। ओनियन में अगर हम एसिडिक सोल्यूशन में इसके पीस नहीं होता है, लेकिन वहीं पर अगर हम एल्कलाइन या बेसिक सोल्यूशन डालते हैं तो उसकी जो स्मेल होती है वो क्या होती है, खत्म हो जाती है, बंद हो जाती है, स्मेल नहीं आती। तो हमें पता चलता है अगर ओनियन की स्मेल चेंज नहीं हो रही है, सेम आ रही है, तो वो क्या है, वो हमारा एसिडिक सोल्यूशन है। अगर स्मेल चेंज हो जा रही है तो वो कैसा सोल्यूशन है, ओनियन की स्मेल नहीं आ रही है, तो हमारा वो अल्कलाइन सोल्यूशन है या फिर बेसिक सोल्यूशन है। तो यह भी हमारा एक इम्पोर्टेंट इंडिकेटर था। सभी को क्लियर हो गया, ये इंडिकेटर ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, ये ऐसा इंडिकेटर है जो कि सोल्यूशन के स्मेल को चेंज कर देता है। और इस तरह का इसका मीन्स ही यही है, ये कलर चेंज नहीं करता, बल्कि क्या चेंज करता है, स्मेल चेंज करता है। इसकी जो सुगंध, जो स्मेल आती है, स्मेल ओडर इन साइंस बोलते हैं, ओडर को ये चेंज कर देता है। और इस तरह के इंडिकेटर्स को हम क्या कहते हैं, इसके थ्रू भी हम एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन को डिस्क्रिमिनेट यानी कि डिफ्रेंशिएट उसमें देख सकते हैं। उसके बाद हमारा एक आता है इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर, नाम ही इसका इतना बड़ा दिखाई दे रहा है कि यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी डिफरेंट इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर, ये डिफरेंट मिक्सचर, यानी कि ये जो इंडिकेटर है हमारा, डिफरेंट इंडिकेटर का मिक्सचर होता है, विच गिव्स डिफरेंट कलर एट डिफरेंट पीएच वैल्यू ऑफ एंटायर पीएच स्केल। इसमें एक खासियत और है यूनिवर्सल इंडिकेटर में, अभी तक हम सिर्फ ये बता पा रहे थे कि सोल्यूशन हमारा एसिडिक है या फिर बेसिक है, कितना एसिडिक है कितना बेसिक है ये हम नहीं बता रहे थे, ये डिसाइड हमारा हम नहीं कर पा रहे थे। लेकिन ये हमारा जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है, जो पीएच स्केल है, हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन, जितना ज्यादा हाइड्रोजन होगा, ऑलरेडी हम 6-7 की क्लास में हमने स्टडी किया हुआ है कि जितने भी एसिड होते हैं वो क्या कंटेन करते हैं, हाइड्रोजन आयन, और जितने बेस होते हैं वो हाइड्रोक्साइड आयन कंटेन करते हैं, ऑलरेडी यू नो दैट। विच गिव्स डिफरेंट कलर्स आर डिफरेंट पीएच वैल्यू, ये डिफरेंट कलर देता है डिफरेंट पीएच वैल्यू पर, यानी कि अगर पीएच वैल्यू ज्यादा एसिडिक होगा तो कलर डिफरेंट होगा। अदरवाइज अभी हम जनरली जान रहे थे अगर इस इंडिकेटर के साथ ऐसा कलर आ रहा है तो सोल्यूशन हमारा कैसा है, एसिडिक है, ऐसा आ रहा है तो बेसिक है। लेकिन अभी यहाँ क्या करना है, जैसे मिथाइल ऑरेंज को ही ले लो,
ये एसिडिक में कैसा कलर देता था, रेड देता था, और बेस में कैसा देता था, येलो कलर देता था। तो हम ऐसे जान जाते थे कि ये क्या है, एसिडिक सोल्यूशन है, बेसिक सोल्यूशन, लेकिन ये नहीं बता पाते थे कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, हल्का फुल्का इसमें एसिड है या फिर ज्यादा एसिड है, ज्यादा बेसिक है या फिर वीक एसिड है, ये हम नहीं जान पाते थे। लेकिन अब सिंस पीएच ऑफ सोल्यूशन डिपेंड ऑन द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ये पीएच स्केल जो होता है, पीएच हमारा सोल्यूशन जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, हाइड्रोजन के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। हम यहाँ आपको आपकी बुक में भी ऑलरेडी ये स्केल दी गई होगी, आप वहां से देख लेंगे, वहां कलरफुल आपको दिखाई देगा तो ज्यादा इजी होगा आपको समझने में। यहाँ पे हम आपको कलर लिख के बता रहे हैं, दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन आप देखिए जो भी पीएच एसिडिटी शो करता है वो किस पे डिपेंड करता है, हाइड्रोजन के कंसंट्रेशन पर। जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयंस होंगे उतना ज्यादा वो सोल्यूशन हमारा कैसा होगा, एसिडिक होगा। तो हम पीएच स्केल देखते हैं, पीएच स्केल ही इसीलिए होती है कि ये क्या करता है, बताता है कि सोल्यूशन हमारा एसिडिक ज्यादा है, बेसिक ज्यादा है, न्यूट्रल है, कैसा सोल्यूशन है। हम देखते हैं पीएच स्केल, सबसे पहले पीएच जो स्केल होती है वो 0 से लेकर 14 तक होती है। 0 से हम स्टार्ट करते हैं और कहाँ पे लास्ट होती है, 14। यहाँ पर 0 पे यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिडिक है, और जब पहुंच गया 14 पे तो वहां पर क्या हो गया, ये स्ट्रॉन्ग बेसिक हो गया। और हमारा एक और कॉलम है 7। 7 पे क्या होता है, सोल्यूशन जो होता है हमारा न्यूट्रल होता है, नॉर एसिडिक नॉर बेसिक, ना तो वो एसिडिक होगा और ना ही बेसिक होगा। जैसे ही 7 से पीएच स्केल हमारा कलर इधर मैच करेगा, और इसको हम करते कैसे हैं, हम पेपर लेते हैं और देखते हैं कि जब हम सोल्यूशन में डीप किए तो हमारे पास एक कलर हो गया, आ गया हमारे पास कलर। अब इस कलर से हम मैच कराते हैं, जिससे मैच करता है वो पीएच वैल्यू हम उसकी नोट डाउन कर लेते हैं कि हमारा सोल्यूशन 6, पीएच वैल्यू इज अ 6। अगर 6 आया तो यानी कि ये कैसा है, एसिडिक है। अगर ये आता है 2 तो यानी कि ये कैसा है, हमारा ज्यादा एसिडिक है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक। अगर यही आता है हमारा 7 पे तो यानी कि हमारा जो सोल्यूशन है कलर कैसा आएगा, अभी हम देखते हैं कलर। पहले हम कलर देख लेते हैं। सबसे पहले अगर 0 पे होगा, पीएच वैल्यू उसकी 0 होगी, तो डार्क रेड कलर होगा। कैसा कलर होगा, डार्क रेड कलर होगा। अगर आपको क्लियर यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं बोल रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए। डार्क 0 पे डार्क रेड कलर, 1 पे रेड कलर, 2 पे रेड कलर। ये रेड कलर तो होंगे लेकिन ये धीरे धीरे क्या होंगे, थोड़ा सा हल्के होते जाएंगे। यहाँ पर एकदम डार्क होगा, यहाँ पे थोड़ा लाइट होगा, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा लाइट हो जाएगा। उसके बाद ऑरेंज रेड हो जाएगा, और 3 पे आएंगे हम तो ये क्या हो जाएगा, ऑरेंज रेड यानी हल्का हल्का रेडिश होगा। उसके बाद हम और आगे जाएंगे, बढ़ेंगे 4 पे तो वो कैसा हो जाएगा, हमारा ऑरेंज, एकदम ऑरेंज कलर का हो जाएगा। उसके बाद 5 पे हम जब जाएंगे तो ये हमारा ऑरेंज येलो कलर में हो जाएगा, जैसा हमारा येलो पीला कलर हो जाएगा। उसके बाद जैसे हम 6 पे पहुंचेंगे तो ये ग्रीनिश येलो कलर का, यानी कि उसमें थोड़ा थोड़ा ग्रीनिश कलर करके हमें येलो येलो कलर में दिखाई देगा। और जैसे ही हम 7 पे पहुंचेंगे वो हमें टोटली किस कलर का दिखाई देगा, ग्रीन कलर का दिखाई देगा। और जैसे ही अब यहाँ पे, यहाँ तक तो क्या था, एसिडिक था, यहाँ तक हमने पढ़ लिया, यानी कि ये अगर आता है हमारा पीएच वैल्यू, इस कलर का हमारा रिजल्ट आता है, टेस्ट हमारा इस कलर में कोई कलर मैच करता है तो हमारा सोल्यूशन कैसा है, एसिडिक है। लेकिन अगर 7 पे आ रहा है ग्रीन कलर का, डार्क ग्रीन आ गया, बस सिर्फ ग्रीन हमें दिख रहा है, तो वो सोल्यूशन हमारा कैसा है, न्यूट्रल है, ना तो वो एसिडिक है और ना ही वो बेसिक है। अब इसके आगे हम बढ़ने जा रहे हैं एल्कलाइन, यानी कि अब बेसिक इसकी नेचर, बेसिक नेचर को देखेंगे। अगर 8 आता है तो ये क्या होगा, ग्रीन इज ब्लू होगा। अगर 9 आ रहा है तो वो टोटली ब्लू होगा। अगर 10 आ रहा है तो वो नेवी ब्लू होगा। और 11 आ रहा है तो वो पर्पल कलर का हो जाएगा। और 12 आ रहा है तो वो डार्क पर्पल होगा। और अगर 13 आ रहा है तो वो वायलेट कलर का होगा। और अगर 14 आ रहा है तो वो भी वायलेट होगा, ये थोड़ा सा लाइट होगा, ये पूरा टोटली वायलेट एकदम क्लियर कलर होगा। तो ये था हमारे पीएच स्केल के कलर। इससे ये डिसाइड होगा कि जो कलर हमारे टेस्ट से मैच करेगा, हमारा पेपर जो मैच कर रहा है जहां पर, उससे हम क्या करेंगे,
डिसाइड कर लेंगे कि हमारी वैल्यू कितनी, हमारा जो सोल्यूशन है वो कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है। क्लियर? तो हमने देख लिया पीएच स्केल। अभी तक हम सोल्यूशन को सिर्फ ये इंडिकेटर, आप समझ में आया, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे सही इंडिकेटर कौन टेस्ट दे रहा है, हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर अकॉर्डिंग टू पीएच स्केल। पीएच स्केल से हमें उसकी एसिडिटी और बेसिक कैरेक्टर भी एकदम क्लियर पॉइंट टू पॉइंट पता चल रहे हैं। और पीएच ये हाइड्रोजन के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, यानी कि अब हमें समझ में आ गया कि 7 पे हमारा न्यूट्रल है और 7 से अगर हम इधर डिक्रीज करेंगे तो एसिडिक एसिड बढ़ता जाएगा, और अगर हम 7 से इधर 8, 9, 10 की तरफ इंक्रीज करेंगे तो हमारा बेसिक नेचर बढ़ता जाएगा, सोल्यूशन एल्कलाइन होगा, और अगर इधर आएंगे तो हमारा सोल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक होगा। तो हमने इंडिकेटर पढ़ लिया, आई होप कि इंडिकेटर समझ में आ गया होगा आपको इस चैप्टर में। टोटली एक बार आप खुद से पढ़िएगा और देखिएगा, चैप्टर आपको टोटली समझ में आ जाएगा। सबसे पहले अब हमने पढ़ लिया, अब ये टॉपिक हमारा इंडिकेटर्स का समाप्त हो गया, खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा क्या है चैप्टर का, एसिड। ओके, थैंक यू क्लास।